देखिए सभी महिलाएं हैं और सभी महिलाओं का मैं सम्मान करने का काम करता हूं। ये लोग भाजपाइयों से भी हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी यशवंत सिन्हा जी को वोट डालने का काम करें। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज वोटिंग की जा रही है और इसी क्रम में आज है हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने भाजपा नेताओं से अनुरोध किया है। यूँ कहें तो एक मैसेज तेज प्रताप यादव ने भाजपा के तमाम नेताओं को दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में यशवंत सिन्हा को वोट दे भाजपा के तमाम नेता। गौरतलब हो कि तेज प्रताप यादव ने ये बात तब कही जब द्रौपदी मुर्मू के ऊपर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान से जो सरगर्मियां थी सियासत की वो तेज हुई थी और भाजपा के कई नेताओं ने राबड़ी देवी के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए राबड़ी देवी को बतौर जो मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल रहा उसे रबर स्टैंप करार दिया था। इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी महिलाओं का बिहार में सम्मान होना चाहिए। पहले आप सुनिए कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए सभी महिलाएं हैं और सभी महिलाओं का मैं सम्मान करने का काम करता हूँ। ये लोग भाजपाइयों से भी हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी यशवंत सिन्हा जी को वोट डालने का काम करें। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सभी महिलाओं का जो सम्मान है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के तमाम नेताओं से ये अपील की है कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए एकजुट होइए और यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझे उम्मीदवार हैं उन्हें वोट कीजिए। देखने वाली बात होगी कि अब जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, 21 तारीख को मतगणना होगी और 25 तारीख को देश का जो अगला राष्ट्रपति है वो मिलेगा, उससे पहले तेज प्रताप यादव के इस बयान को किस तरीके से बीजेपी के लोग लेते हैं। हालाँकि जो मैंडेट और जो संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है उससे जीत सुनिश्चित द्रौपदी मुर्मू की लग रही है और 16वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को देखा जा रहा है। बहरहाल चर्चा ये भी है कि क्रॉस वोटिंग होगी लेकिन इसका कहीं भी असर दिखता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो श्योरिटी इस वक्त भाजपा के तमाम नेताओं में दिख रही है वो तय कर चुका है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की 16वीं राष्ट्रपति होंगी। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।